जय हिंद। आज हम लोग आर्टिकल 22 को पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हमने आपको आर्टिकल 21 को बता दिया है। देखिए, आर्टिकल 21 में क्या था, आपको पता है कि आर्टिकल 21 में था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात थी। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, 22। लेकिन मैं बात 21 का क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि आर्टिकल 22 जो है ना, अपने आप में कुछ भी नहीं है, 21 का ही एक पूरक है, 21 का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री है। जब संविधान बनाया जा रहा था और 21 में ये लिखा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सबको रहेगा, नहीं तो कोई इसी की जान ले लेगा, राज्य ही उसका जान ले लेगा, इसके लिए ज़रूरी था 21। लेकिन 21 में किस प्रक्रिया के तहत, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो अपराध कर दिया, कोई नियम को तोड़ दिया, तो क्या उसको तब भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता रहेगा? नहीं रहेगा। उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया और चूंकि भारत में एक कानून का शासन है, उसके तहत उसको दंडित किया भी जाना चाहिए। इसके लिए 22 में एक आर्टिकल जोड़ दिया गया, उसमें लिख दिया कि कोई भी व्यक्ति, अगर वह उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसका डिटेंशन कर दिया जाता है, मतलब उसको कैद कर दिया जाता है या उसको नज़रबंद कर दिया जाता है, तो उसको किस तरह से संरक्षण दिया जाएगा, कैसे उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 में इसकी चर्चा है, इसकी पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं, क्योंकि 21 में जो चीज़ लिखा हुआ है ना, उसी प्रक्रिया को, उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, उसका चर्चा आर्टिकल 22 में है। 21 में अगर ये लिखा है कि सभी व्यक्ति को अपने प्राण का और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो कोई अपराधी अपराध कर देगा और जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, तो वो कहेगा कि भैया संविधान में तो लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में कि हमको प्राण से कोई वंचित नहीं करेगा, हमारा जान कोई नहीं लेगा। तो फिर उसको कहा जाएगा ना कि 21 ही नहीं बल्कि 22 तुम पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम कोई कानून को तोड़ते हो और उसके लिए जो सज़ा है उसके तहत तो तुमको सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है 21 में कि बिना विधि के, प्रक्रिया के, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के आधार पर ही किसी को अपराधी माना जाएगा, किसी को दोषी करार दिया जाएगा, किसी को सजा दी जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग इसमें देखते हैं। अब इसको देखिए, गिरफ्तारी जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो दो प्रकार का हो सकता है। अरेस्टिंग किसी का भी होता है, दो प्रकार का होता है। कैसे अरेस्टिंग दो प्रकार का होता है उसको हम लोग देखते हैं। एक होता है कि अपराध के बाद, कोई आदमी अपराध कर दिया तो उसको कैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या होगा, तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव या दंडात्मक, सामान्य है, चलिए कर दिया। एक होता है जो अभी अपराध करने का सोच ही रहा है, हो सकता है कि वो दंगा फैलाने का सोचे रहा हो या कुछ भी सोच रहा हो, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसकी मौजूदगी ही अपराध पैदा कर देता है, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, अपराध से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब दोनों के लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अंतर पहले समझ लीजिए, दंडात्मक में यानी प्यूनिटिव में और निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में, दोनों में अंतर समझिए। देखिए, पहला तो ये है कि कोई व्यक्ति अपराध कर लेता है तो उसके बाद उस पर जब भी लगेगा तो प्यूनिटिव डिटेंशन ही लगेगा, दंडात्मक। और अगर वह अपराध करने वाला है, अभी हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए निवारक निरोध लगेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगेगा। एक तो अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देख लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति को प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, दंडात्मक, सामान्य दंड विधि उस पर लागू होगा और उसको ये सब अधिकार मिलेगा, यानी कि उसको वकील उकील रखने का, मजिस्ट्रेट से 24 घंटा के अंदर में पहुंचाने का और उसको कारण उरण जानने उनने का, ये सब अधिकार होगा। लेकिन जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जाएगा उसको इनमें से कोई सुविधा नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगा, और इसको न वारंट के तहत, न दलील की ज़रूरत है, न अपील की ज़रूरत है, न वकील की ज़रूरत है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसमें अंतर तो आप समझे। अब देखिए, पहले आप एक एक करके दोनों को समझिए, अलग अलग समझिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो क्या किया जाएगा, अपराध कर दिया अब उसको गिरफ्तारी होना है, अब वो गिरफ्तार होगा। यह आर्टिकल 22 में क्लॉज 1 और 2 में इसकी चर्चा है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले वारंट निकलता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का। अब वारंट पुलिस लेकर के जाएगी अपराधी के पास, कहेगा देख भैया तुम्हारे यहाँ वारंट निकला है, तुमको हम गिरफ्तार करेंगे। ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, अगर कोई ऐसा काम कर दिया है जिस कॉग्निजेबल है, मैंने छोटा मोटा कोई काम कर दिया, थप्पड़ ऊपर मार दिया, किसी का गाड़ी से हल्का मल्का चोट उट लग गया,
किसी को थोड़ा बहुत धमकी उमकी दे दिया वो, तो इस तरह से लगेगा तो वारंट है उसको दिखा देगा। लेकिन भैया अगर कोई गंभीर मामला है, कोई भयानक अपराध कर दिया, किसी की हत्या कर दिया, रेप जैसा कोई कांड कर दिया है, या फिर उसको दहेज वहेज वाला में फंसा दिया गया है इस तरह से, तब तो बेचारा उसको तो फिर वो वारंट की जरूरत ही नहीं, कारण नहीं बताएगा पुलिस, सीधे गपक से पकड़ लेगा आकर के उसको जो है बिना वारंटे के, यानी बिना कारण बताए हुए उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो वो चीज़ है। अब देखिए, जो व्यक्ति सामान्य दंड विधि के तहत या प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार होगा उसको वकील रखने का भी अधिकार है, कोई लीगल प्रैक्टिशनर है ना उसको भी रख सकता है, इसमें ये अधिकार मिला हुआ है कि भैया तुम अपने पसंद का कोई वकील रख लो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है या और कारण हो, वकील रखने में सक्षम नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है कि उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा, यानी कि जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं वो वकील। लेकिन आप तो जानबे करते हैं कि सरकारी वकील कितना ईमानदारी से काम करते हैं, अगर आप रखते हैं तो हो सकता है आपके केस को हरवा भी देगा, क्योंकि अधिकांशतः सरकारी वकील अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और वो केस को हार जाते हैं। तो ये है, वकील रखने का भी अधिकार है। साथ ही साथ एक देखिए, मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर किसी व्यक्ति को प्यूनेटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटा के अंदर में मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना है। अगर ऐसा पुलिस नहीं कर पाई, 24 घंटा में उस आदमी को मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं ले जा पाई, तो पुलिस को उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, उसको एकदम छोड़ देना पड़ेगा। कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको हर हाल में ले जाना है। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज़ है, अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को रात में गिरफ्तार किया, रात में मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुँचाना संभव ही नहीं है, तो उसको दिन तक इंतजार करेगा, तो जो टाइम जो उसमें जो किल होता है वो उसको कैसे काउंट होता है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, अब रास्ते में ले जा रहा है, रास्ते में आने जाने का जो टाइमिंग होगा, मान लेते हैं उसको पहुंचने में बहुत समय लग गया, बीच में जामे लग गया या कुछ भी हो गया, अब उसको पहुंचना था एक घंटे में, वो पहुंच रहा है 5 घंटे 7 घंटे में, तो जाम जो लगा या रास्ते में जितना दूरी तय हुआ वो इसमें गिनती नहीं होता है। इसमें ये नहीं कहेगा कि भैया तुम हमको गिरफ्तार कर लिया, जाम में फंस गए हो, अब तो 24 घंटा हो गया, अब छोड़ दो, तो नहीं छोड़ेगा, वहाँ पर ये चीज़ है। अब देखिए, इसको समझ गए। अब देखिए, इसमें है कि नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर, कहने का वही मतलब है, इसी का आगे का विस्तार है कि अगर उसको 24 घंटा से ज़्यादा देर तक अगर रखना है थाने पर या जेल में, तो उसको मजिस्ट्रेट की सहमति होनी चाहिए, यानी मजिस्ट्रेट कहेगा तभी उसको रखा जाएगा, नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। यही बात इसमें है। ये आर्टिकल 22 का 1 और 2 क्लॉज ये बात करता है, तीसरा में अपवाद है, और आर्टिकल 22 का 4 से लेकर 7 यानी कि 4 से लेकर 7 क्लॉज जो है वह निवारक निरोध की बात करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी जो आप समझे हैं ये अपराध के बाद ये होगा, अपराध कोई कर दिया उसके बाद ये लागू होगा, लेकिन ऐसे भी तो है कि बहुत सारे ऐसे अपराधी हो सकते हैं कहीं पे इकट्ठे जो पूरे देश के लिए खतरा हो, अखंडता के लिए खतरा हो, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहा हो, तो उसको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि ऐसा कानून है कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और न उसको वकील दिया जाएगा, न उसका अपील सुना जाएगा, न उसको कारण बताया जाएगा, और न ही उसको वारंट दिया जाएगा, न उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुँचाने की जरूरत है 24 घंटा में। यानी कि इसमें कोई चीज़ लागू नहीं होगा जो इधर लागू हो रहा था। मतलब किसी व्यक्ति को आराम से जाएगा पुलिस और घपाक से पकड़ करके उसको जेल में ठूस देगा, 3 महीना तक वो बेचारा पड़ा रहेगा वहाँ पे, उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकता है। 3 महीना के बाद उस पर एडवाइजरी बोर्ड बैठता है, एडवाइजरी बोर्ड निर्णय करेगा कि वो आदमी जो है उसको छोड़ना है कि रखना है, और तब वो निश्चित करेगा कि अगर उसको मन करेगा कि छोड़ देते हैं, इतना खतरनाक नहीं है ये, इस तरह से कांड नहीं कर पाएगा या नहीं हो पाया, चलो अब हो गया जिसके लिए हम इसको गिरफ्तार किए, हो गया काम, अब जो है इसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको मन करेगा कि नहीं थोड़ा और इसको रख लेते हैं, तो उसका कार्यकाल फिर 3 महीना के लिए बढ़ा देगा, एडवाइजरी बोर्ड पर निर्भर करेगा। और एडवाइजरी बोर्ड पर यह भी निर्भर करता है 3 महीना के रखने के बाद कि आपको सूचना दिया जाए कि नहीं दिया जाए कि भैया हम आपको क्यों गिरफ्तार किए, उसका प्रॉपर कारण क्या है, वो उस पर निर्भर करेगा एडवाइजरी बोर्ड पे। एडवाइजरी बोर्ड पर तो ये भी निर्भर करता है कि आपको प्रतिनिधि देने के लिए, जैसे वकील टाइप के होते हैं कि भैया एडवाइजरी बोर्ड के सामने जाइए और अपना उसको पक्ष रखिए कि देखिए भैया वो जो है एकदम निर्दोष आदमी है, तो ये भी निर्भर करेगा एडवाइजरी बोर्ड पर। और एडवाइजरी बोर्ड चाहेगा तभी उसकी बात को, अपील को सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। ये 3 महीने के बाद का प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ है इसमें, इसीलिए इस कानून को कहा गया था रॉलेट एक्ट है, ये आधुनिक नया भारत का रॉलेट एक्ट। आपको पता है रॉलेट एक्ट था, भारत में जो लाया जा रहा था उसके विरोध में बड़े आंदोलन हुए थे, और आपको शायद पता भी होगा कि
13 अप्रैल के दिन जो है किस तरह से एक बड़ा सा सभा हो रहा था अमृतसर में, और वहाँ पे पुलिस जो है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, आपको पता ही होगा। तो रॉलेट एक्ट जो है वो कितना खतरनाक कानून था, और ये भी एक प्रकार से खतरनाक ही है। देखिए दुनिया में जितने देश हैं ना, जैसे ब्रिटेन है चाहे अमेरिका है, वहाँ भी कानून है, लेकिन उस कानून को लागू नहीं किया जाता है जनरल कंडीशन में। सामान्य परिस्थिति है, सब चीज़ खा पी, सब चीज़ आराम से चल रहा है तो नहीं करेगा, तब भी तब लागू करता है जब इमरजेंसी हो जाता है, कोई एकदम भयानक कोई कांड हो रहा है तभी जा करके वो लागू करता है। लेकिन भारत में इमरजेंसी ही नहीं बल्कि सामान्य रूप से भी लागू रहता है, अभी भी लागू है कुछ कानून। अभी आपको हम बताते हैं कि कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज अभी भी चल रहे हैं, और उसके तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है शक के आधार पे। इसीलिए इस कानून को प्रिवेंटिव डिटेंशन को कहा गया है न वारंट न दलील न अपील न वकील का कानून है। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 3 महीना तक आराम से रख लेगा। लेकिन इसका एक ग्राउंड होता है, जैसे अगर देश के एकता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ करना चाह रहा है, कोई जो है विदेश के साथ भारत के संबंध को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, सिक्योरिटी का कोई मामला आ गया है, सुरक्षा का कोई मामला है, या पब्लिक ऑर्डर छोड़ दे, कहीं दंगा उंगा ना करवा दे, तो उसके लिए उस पर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए ये जरूरी भी है भाई साहब, इसको देखते हैं हम आपको। हालांकि इसका बड़ा विरोध होता है, कहते हैं कि प्रजातांत्रिक देश में ये नहीं है, एकदम नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये है। अब इसके भी कोई भी कानून जो होता है ना, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। अभी आपको हम पहले पॉजिटिव बताते हैं कि निवारक निरोध के पॉजिटिव चीज़ क्या है। देखिए आपको पता होगा कि 2019 में एक अनुच्छेद हटा, एक धारा हटाया जा रहा था जम्मू कश्मीर से, धारा 370 है ना, 370 ये जम्मू कश्मीर से हट रहा था, हटा दिया गया, अभी भी हट गया। अब जब हट रहा था तो उस समय जितने भी जम्मू कश्मीर के नेता लोग थे, महबूबा मुफ्ती हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे बाकी जो भी लीडर सब हो, जो अलगाववादी टाइप का था, जो आतंकवादियों को समर्थन करता है, पत्थर फेंकवाता है, वो सब भी सब कह रहा था कि अगर धारा 370 हटा तो बवाल मच जाएगा, पूरे देश में हल्ला मचेगा, जम्मू कश्मीर में एकदम जो है से कतलेआम मच जाएगा, एकदम माने कह रहा था जैसे भूकंप आ जाएगा, इतना विशाल इस तरह से चीज़ों को कह रहा था। अब देखिए वाकई में इसे हो सकता था, तो क्या किया गया कि जितने भी इस तरह से बोलने वाले लोग थे, जो भड़काऊ भाषण देकर के जनता को सेंटिमेंट को भड़काते, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लो और बताओ मत कि काहे गिरफ्तार कर रहे हैं, सबको डिटेंशन करो, सबका नज़रबंद कर दो, सबको पकड़ लिया गया, महबूबा मुफ्ती से लेकर के उमर अब्दुल्ला और बाकी के जो लोग जो भी फारूक अब्दुल्ला, ये सब बहुत सारे लीडर थे, उनको पकड़ करके उनका निवारक निरोध कर दिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद माने घरे में रहो, अब बाहर नहीं निकलना है, अब जो है ना घरे के अंदर में रहो, फोन उन टेलीफोन वगैरह से अब बात नहीं, वो आपको नहीं करने देंगे, आपको इंटरनेट सेवा मुहैया नहीं कराया जाएगा, इस तरह से अंदर में रहो, तब तक अंदर में रहो जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाए। जब माहौल ठीक हो गया उसके बाद इन लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ा भी गया, कुछ लोग तो बहुत दिन तक इसके अंदर में ही रह गए, यही प्रिवेंटिव डिटेंशन उसी को कहते हैं। इसमें पब्लिक सिक्योरिटी को देखते हुए पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो किया जाता है, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है, आप देख ही रहे हैं, अगर नहीं होता तब तो कुछ और ही हो जाता, बवाल मच जाता। अब देखिए एक व्यक्ति है जिसको उसके तहत गिरफ्तार किया गया, जैसे बहुत सारे वैसे व्यक्ति है जिनको इसमें गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कहा गया कि यह जो है शहरी नक्सलवाद है ना, अर्बन नक्सलाइट्स लोग है, उस पर भी ये लगा दिया गया है। हालांकि उसमें कुछ लोग निर्दोष भी है और कुछ लोग दोषी भी है, अब क्या है वो तो गृह मंत्रालय समझे, लेकिन उसके तहत भी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया तो उसकी आलोचना हो गई। एक व्यक्ति था, डॉक्टर थे, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन। वो व्यक्ति मुजफ्फरपुर में बहुत काम किया था गरीबों के लिए, जब उस समय एक बीमारी फैल गई थी, आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर में एक बीमारी बराबर अपना प्रकोप दिखाती है, उसको बोलते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस, और उसमें बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, अच्छे इलाज नहीं मिल पाता है इसके कारण। तो वो व्यक्ति जो है काफ़ी अच्छे रहम दिल का इंसान है और उसने मदद भी किया था। बाद में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ, जब आपको पता होगा कि भारत में जब एक सिटीजनशिप वाला एक एक्ट आया था CAA, तो CAA के खिलाफ जो है कहा गया कि इन्होंने एक भाषण दे दिया अलीगढ़ में, अब भाषण दे दिया तो एक तरह से हुआ क्या कि देश के माहौल को बिगाड़ेंगे, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ेंगे और देश के सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया एक तरह से, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके रख लिया। बाद में एडवाइजरी बोर्ड जो है उनके गिरफ्तारी को और बढ़ा दिया 3 महीने के लिए, और जब वकील को
के तरफ से जब ये कहा गया कि नहीं डॉक्टर जो जो शकील है वह बिल्कुल भी निर्दोष है, और बाद में जब जांच पड़ताल हुआ उसमें एकदम निर्दोष पाए गए, उनके भाषण को कोर्ट ने सुना और कोर्ट में यह कहा गया कि उनका भाषण देश को सुरक्षा को चुनौती देने वाला नहीं था, वो तो और ज़्यादा सही था, देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी था। उसमें सिर्फ वो बताए थे कि CAA कानून जो है ना वो कैसे हमारे देश को तोड़ सकता है, कैसे हमारे देश को सिक्योरिटी को हमारे सामाजिक हमारे जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ सकते हैं, उसकी बात उन्होंने की थी। उन्होंने तो पॉजिटिव और अच्छी बातें की थी, इसलिए उनको कोर्ट बरी कर दिया। लेकिन देखिए वहाँ पर क्या हुआ, इस तरह के कानून को उसका उल्लंघन कर दिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो सरकार जो है ना कभी कभी इस कानून का उल्लंघन भी करती है। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह के कानून लाए जाते रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। अब आप समझिए कि संसद ने जितने भी तरह के निवारक निरोध कानून बनाए हैं वो कब कब बनाए हैं उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि इससे UPSC में क्वेश्चन पूछ दिया था कि इसको अरेंज करिए, ऑर्डरली इसको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, ये क्वेश्चन पूछा था UPSC के PT में। तो आपको भी इसको याद रखना पड़ेगा, जो मेन है उसको याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले एक कानून बनाया था संसद ने, PDA, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, 1950 में बनाया, 1969 में ख़त्म कर दिया। अभी हमने आपको बता दिया है कि जिसको भी इसके तहत गिरफ्तार किया जाएगा 3 महीना तक तो जेल में रहेगा ही रहेगा, उसको न वकील दिया जाएगा, न उसका अपील सुना जाएगा, न उसको 24 घंटे मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाने की कोई बात है, और न ही उस पर वारंट निकालने की बात है। यह तो इसीलिए लागू कर दिया जाता है कि वह अपराध करने ही नहीं दिया जाएगा, यानी उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ताकि वह अपराध वह कर ही नहीं पाए, प्रिवेंट कर दिया जाए। तो देश के लिए ये ज़रूरी भी है। अभी आपको हम बताते हैं, देखिए श्रीलंका में अभी एक कांड चल रहा है, श्रीलंका में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, श्रीलंका एकदम जो है ना वह बर्बाद होने के कगार पर पहुँचा हुआ है, लगभग बर्बाद हो ही चुका है। वो वहाँ भी देख रहे हैं कि लगातार इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, आगजनी हो रहा है, लूटपाट मचा हुआ है पूरा एकदम। तो वहाँ की सरकारों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, हजारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। तो देखिए वहाँ तो इमरजेंसी है ही, तो वहाँ तो लागू है, वहाँ तो जरूरी है, लेकिन भारत में इसको बिना इमरजेंसी के भी लागू किया जा सकता है, एकदम सामान्य परिस्थिति में भी लागू किया जा सकता है। और कुछ लोग तो अभी भी चल रहा है, जैसे आप देखेंगे अब सपा अभी चल ही रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक ये भी अभी चल ही रहा है, बाकी को तो बनाया गया और भंग भी कर दिया गया है। तो एक एक करके देखिए, अब देखिए अब सपा का इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यह आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दे देता है कि वह किसी के भी घर में घुस करके छापा मार सकता है, उसको जैसे ही शक हो गया कि उग्रवादी इसमें छुपा हुआ है या ये आदमी है जो उग्रवादी की मदद करता है, वहाँ छापा मार सकता है, वो किसी के भी घर में कभी भी घुस करके गिरफ्तार कर सकता है और उससे उसका इंट्रोगेशन कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है, उसका कस्टडी में ले सकता था। तो ये चीज़ है इसमें। अब इसका दुरुपयोग भी कर दिया गया, कहा जाता है कि आर्मी वाले को ज़्यादा अधिकार दिया गया तो उन्होंने दुरुपयोग भी कर दिया, सभी नहीं बल्कि कुछ गिने चुने लोग। अब ऐसे आर्मी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानून को तोड़ देते हैं, उनको पता नहीं उनको देश से उतना प्यार नहीं होता है, ऐसे 20-25 लोग हैं जिन पर रेप का केस चल रहा है इसके तहत कि वो घर में घुस करके लड़की को उठा लिया, रेप कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट मार्शल जब उनको किया गया तो उसमें है, अब उसके तहत जो दोषी होंगे उनको सजा भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, कानून का भी एक राज होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कर देगा। ये इसलिए लाया गया है कि देश के इंटरनल सिक्योरिटी को बना के रखा जाए, तभी आप सो पाते हैं अच्छे ढंग से और तभी हम सो पाते हैं आराम से, नहीं तो पता लगेगा कि कोई टेररिस्ट कोई उग्रवादी आकर के देश में अव्यवस्था फैला देगा। तो ये चीज़ है, दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता है। अब सपा हो गया, उसके बाद देखिए UAPA, ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, 1967 में आया, अभी भी लागू है। अनलॉफुल का मतलब कोई भी अनलॉफुल काम अगर आप करेंगे जो कि विधि के अनुसार कानून के अनुसार सही नहीं है, तब तो आपको इसमें इसके तहत गिरफ्तार किया ही जा सकता है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हुए। मान लेते हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी में नारा लगा दिए, है ना, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो अनलॉफुल एक्टिविटीज हो गया। मान लेते हैं कि किसी सरकारी इमारत को आप ध्वस्त करने के लिए आग उग लगा देते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज है। कहीं दंगा फैलाने की काम कर रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज है। तो ये सारे चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसमें प्रिवेंशन कर दिया जा सकता है, तुरंत जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसमें ये चीज़ है। अब देखिए मीसा क्या है, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो मिसयूज किया गया है वो इसी एक्ट को किया गया है, मीसा को। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। देखिए इसको इंदिरा गांधी लाई थी 1971 में, और ले करके उन्होंने क्या किया, अपने विरोधी में जितने विपक्ष के नेता थे सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया।
कहा कि तुमको चुनाव नहीं प्रचार करने देंगे, मेरे विरुद्ध तुम बोलते हो, हमको जीतना है कैसे जीतेंगे, सबका मुंह बंद कर दो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दी। अब इसका इतना मिसयूज हुआ कि बड़ी आलोचना हो गया, इसलिए इसको 1977 में हटाना पड़ गया। अब देखिए इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दी, तो ये तो गड़बड़ बात है। इसीलिए इसको अब लालू प्रसाद जी की बेटी का नाम भी मीसा भारती है, उन्होंने शायद इसको यादगार बनाने के लिए अपनी बेटी का नाम रख दिया मीसा। तो ये चीज़ है। अब देखिए NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980, ये भी सिक्योरिटी को अगर खतरा हुआ देश में आपसे तो उस पर लागू कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं NSA। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा बार हुआ है, इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किसका हुआ है तो NSA का, और सबसे ज़्यादा मिसयूज किसका हुआ है तो मीसा का, और आपसे पूछेगा सबसे खतरनाक कौन है तो सबसे खतरनाक है टाडा, ये बहुत खतरनाक माना जाता है। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट 1985 में आया, 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसको आप समझ गए। अब एक है पोटा, इसको भी समझ लीजिए, एग्जाम में एक बार पूछा था पोटा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, 2001 में आया, 2004 में समाप्त हो गया। देखिए इसको क्यों लाया गया था, ये है पाकिस्तानिया जो भारत में आते थे आतंकवादी जो प्रशिक्षण लेकर के आते थे, वो सब आकर के देश में सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर दे रहे थे। आपको पता ही अजमल कसाब जैसे ये सब लोग जो है वो देश में आया था प्रशिक्षण लेकर के समुद्री मार्ग से, और भारत में आकर के क्या क्या कोहराम मचा दिया था आप तो देखे ही होंगे, निर्दोष लोगों को मार दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो भारत में आते हैं तो उनको रोकने के लिए इस तरह के कानून लागे, उनको मदद करने वाला भी भारत के अंदर के ही लोग होते हैं, तो कोई भी अगर मदद करते हुए पकड़े गए या फिर किसी तरह का मदद हो, आर्थिक हो या फिर किसी भी तरह का हो, तो फिर उसको इसी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत। लेकिन इसका भी मिसयूज हो गया, कहा गया कि गुजरात में एक लड़का था जिसको इसी के तहत गिरफ्तार कर लिया, 14 साल का था मात्र, अब 18 साल से कम है तो आप इसके तहत गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं, और उसको तो आपको अगर गिरफ्तार भी करते हैं 14 साल के बच्चे को तो उसको जो है बाल सुधार गृह में रखना पड़ता है, 3 साल के बाद छोड़ देता है उसको। तो भैया उसको गिरफ्तार कर लिया, देश में सब जगह हल्ला मच गया, कहा कि अरे ये क्या कर दिया भैया, पोटा का इतना मिसयूज कर दिया। अब पुलिस वाले का दिमाग कहाँ था, अब हम तो कहते हैं उसके ऊपर है कि उन्होंने ऐसे कैसे उसको गिरफ्तार किया, वो भी गुजरात से जो कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र भी नहीं है, इसीलिए इसकी आलोचना हुई, फिर इसको हटा दिया गया। तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि निवारक निरोध क्या होता है, आपने आर्टिकल 22 को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, और आगे हम आपको बताएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार वगैरह, ये सब आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपके लिए हम एक सूचना दे देते हैं, देखिए हम अभी BPSC का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, 68वीं के मेंस के लिए और PT के लिए भी, 67वीं का तो चल ही रहा है, तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, और बहुत जल्द ही हम SSC और रेलवे के लिए भी GS का क्लास चलाएंगे, तो आप जरूर इसमें एडमिशन ले लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।